हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद पाकिस्तान की कुल आबादी से दुगनी से भी कहीं ज्यादा है, तो फिर क्या वजह है कि हिंदुस्तान के मुसलमान कश्मीरी मुसलमानों की आजादी के लिए जिहाद नहीं करते? क्या इनको यह जिहाद नहीं करना चाहिए? मैंने मक्का मुकर्रमा में एक मतबे दरसे कुरान दिया और उस दरसे कुरान में मैंने जिहाद पे गुफ्तगू की और जिहाद कश्मीर पे गुफ्तगू की और उस दर्स में हिंदुस्तान के कुछ मुसलमान मौजूद थे और वो अनपढ़ नहीं थे, डॉक्टर्स थे, तो उन्होंने जिहाद कश्मीर के बारे में मेरी सारी गुफ्तगू पे शदीद एतराजात किए और बदमजगी तक नौबत आई और मुझे कहना पड़ा कि आप लोगों में कोई दीनी गैरत और कोई दीनी अहमियत नहीं है और इसीलिए हम कहते हैं कि दारुल कुफर में रहना हराम है। कि दारुल कुफर में रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान भी दीनी गैरत से महरूम हो जाते हैं। उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा कि कश्मीर में हिंदुस्तानी हुकूमत कश्मीरियों के साथ जो कुछ कर रही है वही डिसिप्लिन का तकाजा है, होना चाहिए, और पाकिस्तान जो कर रहा है वो सिर्फ दहशतगर्दी है। मुजाहिदीन जो कुछ कर रहे हैं वहां पे वो सिर्फ दहशतगर्दी है और खून खराबा है और फसाद है जहां ये सूरत हाल हो। ये ऐसा ही नहीं, अल्लाह ताला ने कुछ अहकाम दे दिए हैं कि दारुल कुफर से हिजरत करो। यहां बैठे हुए पाकिस्तान में बैठे हुए गुनाहगार से गुनाहगार कोई मुसलमान हो, पाकिस्तानी हो, हमारे यहां हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, कितने लोगों ने अपनी बेटियों को ईसाइयों के साथ रिश्ता किया है, नाम बताएं, कितने बेटियों ने अपनी लोगों ने अपनी बेटियों का हिंदू लड़कों के साथ रिश्ता किया है, नाम बताएं कोई। और हिंदुस्तान में यह रोज का चलन है, मुसलमान बेटियों के रिश्ते सिखों से हो रहे हैं, हिंदुओं से हो रहे हैं, ईसाइयों से हो रहे हैं और कोई उनको टोकने वाला नहीं। ऐसा नहीं है, ये इस्लामी फिकह जो मुरतब हो जाती है और अल्लाह ताला जो हिदायत दे देते हैं उसकी कोई वजह होती है। ठीक है वो 20-25 करोड़ की तादाद में है लेकिन दारुल कुफर तो दारुल कुफर है और यहां से पता चलता है कि पाकिस्तान की कदर और कीमत क्या है। और इसीलिए मैं कांग्रेसी मौलवियों के खिलाफ हूं, उनको अल्लाह ने यह बसीरत ही नहीं दी है कि वो दारुल सलाम में और दारुल कुफर में फर्क समझ सके। बस्ती बसना खेल नहीं है, बस्ते बस्ते बस्ती है। एक छोटा सा मुल्क आपको यूरोप के वस्त में चाहिए था, मार मार के उन्हें आपका पुरकश निकाल दिया। कोसोवो में क्या किया उन्होंने आपके साथ, और इससे पहले वो क्या है, वो बोस्निया में क्या किया है उन्होंने? आप एक छोटा सा इस्लामी मुल्क चाहते थे ना वहां पे, ये इतना आसान काम नहीं होता है। 3 साल तक उन्होंने आपके हजारों आदमियों को उजाड़ के रख दिया है। कोसोवो में यही हो रहा है, चेचनिया में यही हो रहा है। दोस्तों इतनी आसानी से जो तुम्हें मुल्क मिल गया है पाकिस्तान, अल्लाह के लिए इसकी कदर करो। ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, ये बहुत मुकद्दस धरती है। अगर कभी मुझे अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं आपको बताऊंगा, गालिबन 14 अगस्त का दर्श होगा, 14 अगस्त को हम यहां इकट्ठे होंगे। मुझे जाना तो है बाहर लेकिन 14 अगस्त से पहले नहीं जाता हूं मैं। इस जमीन की ये अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का किला है, ये इस्लाम का मोर्चा है। देखिए हम लोग कोई बहुत पाक साफ कोई अच्छे मुसलमान लोग नहीं है लेकिन एक माहौल का असर होता है। मैंने एक बात आपसे पूछी है, देखिए ना हमारे यहां ईसाइयों की तादाद है, अच्छी भली है। आप इंटीरियर सिंध में जाएं, बलोचिस्तान में जाएं, हिंदुओं की अच्छी भली तादाद है लेकिन आपकी बेटियों का रिश्ता हिंदू लड़कों से क्यों नहीं होता? यहां आपकी तादाद 13-14 करोड़ है, हिंदुस्तान में 25 करोड़ है, वहां क्यों हो रहे हैं रिश्ते?
वहां क्यों ये दीनी गलत खत्म हो गई है? तादाद वादाद कुछ नहीं होती, माहौल का असर होता है, इज्तिमाई माहौल का असर होता है। और दारुल कुफ्र और दारुल हर्ब की बुनियाद जो है वो ये इज्तिमाई माहौल होता है।